हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फूड किचन। तो आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की सबसे फेमस रेसिपी वड़ा पाव, या आप इसे बटाटा वड़ा भी कह सकते हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, चलो आज हम वड़ा पाव की रेसिपी देखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ एक बड़ा बाउल बेसन दिया है, रेड चिली पाउडर, स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, अजवाइन 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा, यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सरसों, जीरा, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी धनिया, और तड़के के लिए हमने यहाँ पे हींग यूज किया है। हींग से स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने ये जो सारे मसाले हैं, ये मसाले हमने यूज किए हैं। तो अब एक बड़े बाउल में हम बेसन डालेंगे। हमें सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करना है। तो बेसन में अब ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन ऐड करना बहुत ही अच्छा होता है। अजवाइन के बहुत सारे हमारे बॉडी के लिए हेल्दी भी होता है अजवाइन। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा थोड़ा कम ही डालें, हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा बहुत कम ही यूज किया है। अब पानी डाल के अच्छे से इस घोल को हम घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इस घोल को, इस बैटर को अच्छे से हम रेडी करेंगे। हमें ये जो बैटर है वो थोड़ा थिक चाहिए। यहाँ पे अच्छे से हम बेसन को, बेसन का जो बैटर है वो बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये थिक जो बैटर है वो रेडी कर लिया है। तो अब चलो, यहाँ पे हमने कुछ आलू है जो उबाल के उनके छिलके निकाल लिए है और आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, बारीक पीस लिया है आलू को। तो यहाँ पे एक बड़े पैन लेके, पैन में हमने 1 टेबल स्पून तेल ऐड किया है और उसमें हमने सरसों डाल दिया है। सरसों अच्छे से कतरने लगे तो उसके बाद हमें जीरा ऐड कर देना है। गैस का फ्लेम हाई है, उसके बाद ऐड करना है अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट अच्छे से लाल हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। इन्हें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे अच्छे से ये भून रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली अच्छे से लाल हो चुके हैं। तो उसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। अब इसमें ऐड करना है हींग। हींग ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए आलू, स्मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे इसमें। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करना है स्वादानुसार नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी, बारीक कटी हुई धनिया। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस स्लो फ्लेम पे है, मीडियम फ्लेम। तो यहाँ पे हमारे जो आलू है अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो गैस को अब हम ऑफ कर देंगे और ये जो हमारा सालन रेडी हुआ है उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब इसके जो आलू है उनको हम छोटे छोटे लोई लेके इस तरह से हम छोटे छोटे गोल गोल बड़े बना लेंगे। तरीके से हमने छोटे छोटे गोल गोल वड़े रेडी कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे चपटे कर सकते हैं या चाहे तो आप इसे बटाटे वड़े की तरह गोल भी रख सकते हैं। आपको जैसे पसंद आए आप उसे इस तरह से रख सकते हैं। हमने यहाँ पे इस तरीके से सारे वड़े जो है वो रेडी कर लिए। अब एक आलू वड़ा लेके हमें बेसन के घोल में डालना है और बेसन के घोल में डालने के बाद हमने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से हाथियों पे गर्म है तो उसमें हम ये वड़ा डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे वड़े एक एक करके तेल में डाल देने हैं। तेल को ध्यान रखना है, अच्छे से तेल गर्म हो तभी वड़े डालें। तो यहाँ पर हमने ये सारे वड़े तेल
तो चलो अब सारे वड़ों को पलट देते हैं दूसरी तरफ से भी, वड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं। बीच बीच में हमें ये जो वड़े हैं उन्हें चलाते रहना है, तो एक दूसरे में ना चिपके। वड़े एक दूसरे में वैसे चिपकते नहीं है बिल्कुल, बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो इन्हें अच्छे से हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और वड़े रेडी हो चुके हैं। तो चलो अब इसे निकाल लेते हैं। तो हमारे वड़े सारे रेडी हो चुके हैं, तो उन्हें पाव के साथ सर्व कर देते हैं। तो वड़ा पाव यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आप इसे ग्रीन चटनी, रेड चटनी या हरी मिर्च के साथ सर्व कर सकते हो। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।